हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए, 7 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। टेस्ट थोड़ा लेट है लेकिन इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 सेकंड का टाइम मिलेगा सोचना कि आंसर क्या है, और बड़ी बड़ी है एक्सप्लेनेशन भर भर के, उनको अच्छे से सुनिएगा। UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज चल रही है। 145-42 दिन केवल बचे हैं, अच्छे से रिविज़न करते रहो हर दिन। लास्ट के जो एक मंथ होता है ना, जिसमें एडमिट कार्ड इशू होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसे एक मंथ में सारा रिवीजन कर लोगे साल भर का, हर दिन पढ़ते रहो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किस शब्द को वर्ड ऑफ द डिकेड के लिए चुना गया है? वर्ड ऑफ द डिकेड के लिए इनमें से किस शब्द को चुना है, किसको चुना है? वुमन एम्पावरमेंट को चुना है क्या, प्लास्टिक पॉल्यूशन को चुना है क्या, दे या फिर मॉब लिंचिंग? तो मॉब लिंचिंग नहीं है, प्लास्टिक पॉल्यूशन भी नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट भी नहीं है, ये है दे। क्या है? TH EY, दे। तो दे एक प्रोनाउन है। तो देखिए, तथस्थ सर्वनाम शब्द दे को अमेरिकी भाषा विशेषज्ञों द्वारा वर्ड ऑफ द डिकेड के लिए चुना गया है। दे शब्द का इस्तेमाल अंग्रेजी में ऐसे व्यक्तियों द्वारा खूब किया जाने लगा है जो खुद की पहचान ना तो पुरुष के तौर पर करते हैं और ना ही महिला के तौर पर। वे पुरुष के लिए ही या महिला के लिए शी के पारंपरिक सर्वनाम की बजाय बहुवचन तथस्थ सर्वनाम से पहचाना जाने वाला पसंद करते हैं, जो है दे। अब देखिए, दे का चयन इस बात का संकेत है कि कैसे सर्वनाम लैंगिक पहचान की निजी अभिव्यक्ति हमारे साझा बातचीत का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। इसकी घोषणा दिसंबर में अमेरिकी डिक्शनरी मरियम वेबस्टर द्वारा दे को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में रखा गया है, और अमेरिकन डायलैक्ट सोसाइटी द्वारा दे को साल 2015 में वर्ड ऑफ द ईयर शब्द के तौर पर चुना गया था। जिन शब्दों के बीच मुकाबला था उनमें कौन कौन से थे? ब्लैक लाइव्स मैटर, मी टू, क्लाइमेट, इमोजी, मेमे, द ओपियोइड क्राइसिस एंड वोक जैसे शब्द इसमें शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं सुरेश चंद्र शर्मा। कौन नियुक्त किए गए हैं? सुरेश चंद्र शर्मा। एक नाम है यहाँ पर लीलाधर जगूड़ी, इनको 28वां व्यास सम्मान दिया गया था। किसके लिए? जितने लोग उतने प्रेम के लिए। 29वां व्यास सम्मान भी मिल चुका है किसको? नासिरा शर्मा को, कागज़ की नाव के लिए। एक नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे, ये कभी भारत के रेल मंत्रालय के रेल मंत्री थे। तो देखिए, दिल्ली में एम्स के कान नाक गला एवं हेड नेक सर्जरी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा को राष्ट्रीय चिकित्सा विभाग का आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने शर्मा की नियुक्ति को 3 साल या 70 वर्ष की उम्र के लिए मंजूरी दी है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI के संचालन मंडल के महासचिव राकेश कुमार वत्स को इसी अवधि के लिए आयोग के सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया है, क्योंकि पहला है इसलिए नाम याद रखना, सुरेश चंद्र शर्मा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष नियुक्त। क्वेश्चन नंबर 3 है, PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने किस डिजिटल ऋणदाता स्टार्टअप के साथ करार किया है? किसके साथ करार किया है? HDFC नहीं है, LIC नहीं है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस नहीं है, यह है रेवफिन। किसके साथ? रेवफिन। तो देखिए, भारत के प्रमुख डिजिटल ऋणदाता स्टार्टअप रेवफिन ने अपने ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपने ऋणों के साथ जीवन बीमा कवर देने के लिए PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ करार किया है। इस बीमा में 3 वर्ष की अवधि के लिए 3 लाख तक के ऋण को कवर दिया जाना शामिल है। इस करार से PNB मेटलाइफ द्वारा ऋण लेने वालों को दुर्भाग्यवश पूर्ण मृत्यु के बाद ऋण चुकाने के लिए ऋण लेने वालों से परिवारों को सुरक्षा मिलेगी और देश में असंचित क्षेत्रों तक पहुंचने और देश से अधिक वित्तीय समावेशन के संचालन में मदद मिलेगी। अब देखिए, बात आती है PNB मेटलाइफ, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 2001 में हुई थी इसकी स्थापना। और PNB मेटलाइफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है, महाराष्ट्र में। और PNB मेटलाइफ इंडिया के MD और CEO कौन है वर्तमान में? आशीष कुमार श्रीवास्तव। नंबर 4 है, हाल ही में UN मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसे दशक की सबसे लोकप्रिय किशोरी घोषित किया है? दशक की सबसे लोकप्रिय किशोरी कौन है इनमें से, बताइए। यह है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, मलाला यूसुफ जई।
पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को। यही हैं मलाला यूसुफजई। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तानी शिक्षा कार्यकर्ता और नोबल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई को दशक की सबसे लोकप्रिय किशोरी, मोस्ट फेमस टीनेजर ऑफ द डिकेड घोषित किया है। ये खुलासा यूएन की दशक समीक्षा रिपोर्ट में किया गया है। मलाला किशोर अवस्था से ही बच्चों के अधिकारों के लिए काम कर रही हैं। इसी दिशा में उनके प्रयास को सराहने के लिए उन्हें वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिसके साथ वे इस पुरस्कार को पाने वाली सबसे युवा कार्यकर्ता भी बन गई थी। बात आती है संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क यूएसए में और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारतीय मूल की सुचेता सतीश ने ग्लोबल चाइल्ड प्रॉपर्टी अवार्ड अपने नाम किया है, तो कौन सा वह ग्लोबल चाइल्ड प्रॉपर्टी अवार्ड था? ये था सोबा। कौन सा था? सोबा। तो भारतीय मूल की सुचेता सतीश को भी मिला है और आरा वर्मा को भी मिला है। तो देखिए, दुबई में रहने वाली भारतीय मूल की 13 वर्ष की हैं किशोरी सुचेता सतीश ने सोवा ग्लोबल चाइल्ड्स प्रॉपर्टी अवार्ड जीता है। उन्हें एक संगीत कार्यक्रम और बच्चों के लंबे समय तक चले लाइव सिंगिंग कार्यक्रम के दौरान अधिकांश भाषाओं में गायन के लिए सम्मानित किया गया। अब ये जो ग्लोबल चाइल्ड प्रॉपर्टी अवार्ड है, ये नृत्य, संगीत, कला, लेखन, अभिनय, मॉडलिंग, विज्ञान, खेल आदि में बच्चों की प्रतिभा को सामने लाने का मंच है। और यह पुरस्कार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और ऑस्कर पुरस्कार विजेता संगीत निर्माता एआर रहमान द्वारा समर्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता है? मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब जीता है किसने? आयुषी ढोलकिया ने। किसने जीता है? आयुषी ढोलकिया। यही है आयुषी ढोलकिया। और जो फर्स्ट रनर अप रही हैं वो कौन रही हैं? ये सेनिया ग्रेसिया। और जो सेकंड रनर अप है वो है एनिसिया गाउतुसी। एक नाम है यहाँ पर प्रिया सराव, तो ये मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया बनी थी 2019 में, भारतीय मूल की है, इम्पोर्टेंट है। तो बड़ोदरा की आयुषी ढोलकिया ने मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब जीत लिया है। इसके अलावा उन्होंने वेस्ट इन इंटरनेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड और वेस्ट इन स्पीच अवार्ड का खिताब भी अपने नाम किया। इस प्रतिष्ठित खिताब को जीतने के लिए 22 देशों की लड़कियों ने भाग लिया था। परागवे की येशेनिया ग्रेसिया फर्स्ट रनर अप रहीं और बोत्सवाना की एनिसिया गाउतुसी सेकेंड रनर अप रहीं। मिस टीन इंटरनेशनल दुनिया का सबसे पुराना टीन टाइटल है, तीन पंजे टाइटल है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? किसको सम्मानित किया जाएगा? देखिए, कृष्णाचारी श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को, इन दोनों को सम्मानित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वन और ए और बी दोनों। तो ये हैं अंजुम चोपड़ा और ये हैं कृष्णाचारी श्रीकांत। तो कृष्णाचारी श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कृष्णाचारी श्रीकांत 2019 के प्रतिष्ठित सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के प्राप्तकर्ता होंगे। और भारत की पूर्व महिला कप्तान कौन है? अंजुम चोपड़ा। ये हैं अंजुम चोपड़ा, पूर्व महिला कप्तान है। तो वर्ष 2019 के लिए इनको भी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की सह प्राप्तकर्ता रहेंगी। और श्रीकांत और अंजुम को भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? किसको नियुक्त किया है? ये किया है एच के जोशी, मतलब हरजीत कौर जोशी को। तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हरजीत कौर जोशी को अपना नया अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। साथ ही वे 3 महीने की अवधि के लिए कंपनी निदेशक वित्त के पद पर अतिरिक्त प्रभार भी संभालेगी। वह इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया की फेलो मेंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में कहां सोलर पार्कों की स्थापना के लिए 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर, मतलब 500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि हो गई ना ये, तो इससे अधिक लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की है? ये ने होगा यहाँ पर, भारत ने कहा
सोलर पार्कों की स्थापना के लिए 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की है सोलर पार्क के लिए। कहाँ की है? तो अंगोला में नहीं की है, इथोपिया में नहीं की है, नाइजीरिया में नहीं की है, यह की है अफ्रीकी देश क्यूबा में। सारे के सारे अफ्रीकी देश हैं लेकिन क्यूबा में की है। तो 10वां प्रश्न देखते हैं, कॉमन सर्विसेज सेंटर्स CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया ने फास्टैग की बिक्री के लिए --- के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कॉमन सर्विसेज सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया ने फास्टैग की बिक्री के लिए किसके साथ समझौता किया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ। किसके साथ समझौता किया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ। तो देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर CSC इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया ने फास्टैग की बिक्री के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड PPBL के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता 3.6 लाख CSC के अंतिम मील नेटवर्क के माध्यम से PPBL फास्टैग की बिक्री की सुविधा प्रदान करेगा, जो सरकार के देश भर के सभी टोल प्लाजा पर कैशलेस और सुगम आवागमन के प्रयास को मजबूती देगा और इससे बहुत समय की बचत होगी, जो लंबी लंबी लाइन में गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं ना। अब देखिए, फास्टैग जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पर आधारित तकनीक है, जिसे सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल गेट्स पर अनिवार्य कर दिया गया है। फास्टैग के तहत प्रीपेड या इससे जोड़े गए खाते से टोल भुगतान सीधे किया जा सकता है, जो कतारों में प्रतीक्षा करने तथा समय और ईंधन की बचत के लिए आवश्यक है, क्योंकि कई कई मिनट तक तो लोग आधा आधा घंटा जाता है, इंजन बंद नहीं करते अपना, डीजल पेट्रोल जलता रहता है, उससे एनवायरनमेंट भी दूषित होता रहता है। तो बात आती है कॉमन सर्विस सेंटर CEO की। तो इसके CEO कौन है? कॉमन सर्विस सेंटर के CEO दिनेश त्यागी हैं और पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष का नाम भी याद रखिए विजय शंकर शर्मा, और पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के CEO और MD का नाम भी याद रखिए सतीश कुमार गुप्ता। अब है आज का सवाल, किस राज्य की सरकार ने रियल एस्टेट में पारदर्शिता लाने के लिए KRERA नियमों का शुभारंभ किया है? किसने किया है? दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।